हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। गाइस क्या हाल है, उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आपको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो गाइस मैं आज हमारे शहर कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद शहर का व्यू दिखाऊँगा, हिंदू भाइयों के शॉप वगैरह है वो भी दिखाऊँगा, और जो मार्केट्स हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मैं हूँ पुरानी ट्रेन यहाँ पर चलती थी, तकरीबन 100 साल पुराने जहाँ पे ट्रेन चलते थे वो स्टेशन है जमसाबाद में। तो ये देख सकते हैं कोट गुलाम अहमद की ये स्टेशन, अभी पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पे, आप देख सकते हैं पुरानी जगह थी। और ये भी देखें अभी बहुत ही टूट गई है, और ये है ट्रेन की पटरी जहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेन की पटरी थी पहले तो अभी ख़त्म हो गई है। तो गाइस चलते हैं जमसाबाद शहर में, तो यहाँ इस साइड है जमसाबाद शहर, जमसाबाद शहर का व्यू भी दिखाऊंगा मैं। और हिंदू भाई जो मैकेनिक है, जो फ्रूट के ठेले वगैरह हैं, उनकी शॉप वगैरह है, होटल वगैरह है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ है नेहाल। राम राम नेहाल भाई, क्या हाल है? ठीक है नेहाल भाई। तो नेहाल भाई आप पढ़ते हैं? नहीं जी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सातवीं क्लास में। तो ये है नेहाल भाई, सातवीं क्लास में पढ़ता है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलते हैं कोट गुलाम मोहम्मद शहर में। तो गाइस ये है जमसाबाद शहर का व्यू, आप देख सकते हैं ये मेन मार्केट है, स्टेशन रोड। गाइस आप शहर का व्यू देख सकते हैं, और ये है यहाँ पे नक्शा स्टॉल है, और यहाँ पर खास पोस्टर घाट है, यहाँ पे पोस्टर वगैरह खड़ी होती है। गाइस ये आप देख सकते हैं मोटर मैकेनिक है, तो इससे बात करते हैं। राम राम भाई। जय माता की। क्या क्या दुआमन? क्या नाम है भाई आपका? विक्रम। विक्रम, तो गाइस ये है विक्रम भाई। विक्रम भाई आप ये क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रिक मोटर वायरिंग। मोटर का काम करते हैं, वायरिंग वगैरह, मोटरों, पंखियों, इस्त्रियों। अच्छा, लाइट का जो भी काम हो आप करते हैं। तो कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? 24 साल की सर्विस है। 24 साल की सर्विस? 24 साल की सर्विस। 24 साल की सर्विस है। तो ये आप यहाँ पे कितने टाइम से इस दुकान में? पहले आपकी दुकान कहाँ पे थी? प्रेस क्लब के सामने। हाँ, तो आप रहते कहाँ हैं? कोट मीरस लांडी। यहाँ से कितना दूर है? 15 किलोमीटर। तो डेली के आप आउट बाइक करते हैं? जी हाँ। अच्छा, पैदल जाएंगे तो 2 घंटे का रास्ता है। तो आप पैदल ही जाते हैं क्या? हाँ, कभी पैदल गए आप? पैदल दो हर साल में पौधे जाता हूँ, रामा पीर के मेला जब लगता है। अच्छा, पैदल डायरेक्ट बाईपास। तो बाबा रामदेव का मेला लगता है तब यहाँ से आप पैदल जाते हैं? तो साल में एक बार आप पैदल लाजमी जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कैसा गुजारा चल रहा है? भोलेनाथ की दया है, माता की कृपा है। तो आप शिव भगत भी हैं? तो ये कौन सी चीज़ बना रहे हैं? ये वाशिंग मशीन। कपड़े धोने वाली। तो कपड़े धोते हैं, बंदे धोते। अच्छा, बंदों को धुलाई करते हैं? बंदे भी धुल जाए, कपड़े भी धुल जाए। तो ये आप वायरिंग कर रहे हैं? तो डेली के कितने मोटर बना लेते हैं आप? पांच मोटर। ठीक भाई, धन्यवाद। गाइस ये देख सकते हैं जमसाबाद शहर है, ये चौक है, ये रास्ता जा रहा है डिग्री की तरफ, और हमारे साथ है ये भाई। राम राम भाई। राम। क्या नाम है भाई आपका? भगवान दास। तो गाइस ये है भगवान दास भाई, ये आप देख सकते हैं हिंदू भाई का फ्रूट का ठेला है। राम राम भाई। सतनाम। क्या नाम है भाई आपका? शगन। शगन भाई, ये आपका ठेला है? तो ये सेब क्या रेट आप दे रहे हैं? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। तो गाइस ये देख सकते हैं हिंदू भाई का ठेला है। कितने टाइम से आप यहाँ पे ठेला लगा के बैठे हैं फ्रूट का? बहुत टाइम हो गया। ठीक। तो भगवान दास भाई आप क्या बता सकते हैं? चलो अपन चलते हैं केले के घाटे पे, और हमारा जो भाई है विश्राम उसे बात करेंगे, और उससे जो फ्रूट के जो रेट हैं। हाँ। अपन चलो आगे चलते हैं।
तो ये भाई भगवान दास का ये भी ले लो ना, ये भी हिंदू भाई का सब्जी का ठेला है। ये कौन कौन सी सब्जी आप बता सकते हैं? राम राम भाई। जय श्री राम भाई। क्या नाम है भाई आपका? वीरू भाई, ये ठेला आपका है सब्जी का? कितने टाइम से आप सब्जी ये चला रहे हैं? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो दिहाड़ी कितनी पड़ती है आपकी? दिहाड़ी 800-900 हजार। कौन कौन सी सब्जी रखी है आपने? तूरी, टमाटर, करेले, भिंडी, चौले की फली। तो गाइस ये टिंडे है, तूरी है, टमाटर, भिंडी, और ये क्या है? ये करेले? ये करेले। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये चौले की फली। चौले की फली। और ये छाई है। छाई, वाटरमेलन बोलता है इसको? वाटरमेलन। तो ये क्या रेट है छाई? ये थर की छाई है या इधर की है? ये थर की छाई। थर की छाई क्या किलो है? ये 100 रुपए किलो है। 100 रुपए। और ये चौले के? ये 200 रुपए। ये 200 रुपए किलो। और ये भिंडी? भिंडी 200। भिंडी है 200। करेले? करेले 100 रुपए किलो। करेले गाइस 100 रुपए किलो है। टिंडे? टिंडे 100 रुपए। टिंडे भी 100। मिर्ची भी? मिर्ची 200। मिर्ची 200। टमाटर? 150 रुपए। तो आपका घर कहाँ पे? हमारा घर है टामस मोरी। टामस मोरी यहाँ से कितना दूर होगा? तकरीबन दूर 5-6 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, तो आप किस चीज़ पे आते जाते हैं डेली के? बाइक पे। बाइक पे या। चलो ठीक भाई, धन्यवाद आपका। तो भगवान दास भाई आगे चलते हैं। तो हमको भगवान दास भाई जमसाद शहर का ये दिखाएंगे, जो भी ठेले वगैरह है इनका। ये भी सब्जी का ठेला हिंदू भाई का, ठीक है। और ये है चिपड़ भाई। चिपड़ क्या रेट है? 100 के 1.5 किलो भाई चिपड़। ये थर के चिपड़ है। तो गाइस जी ये देखें, ये भी हिंदू भाई का ठेला है। ये है केले का ठेला। तो राम राम भाई। क्या नाम है भाई आपका? वाशु भाई। ये केले का ठेला आपका है? आप कितने टाइम से ये केले का ठेला चला रहे हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए आपका? यही काम है फ्रूट का? और फ्रूट रखते हैं यहाँ? ये केले? खाली केले लगाता हूँ। और कोई भी चीज़ नहीं लगाते? अच्छा, क्या दिहाड़ी बच जाती है आपकी? ये 600-800 रुपए। 600-700 रुपए बच जाते हैं। तो अभी क्या दर्जन दे रहे हैं आप? 100 रुपए चला रहे हैं। 100 रुपए दर्जन। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। तो 600-700 में आपके बच्चे कितने आए? बच्चे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो वो स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल वगैरह जाते हैं, एक जाता है, 2 छोटे हैं। तो 600-700 में आपकी दिहाड़ी गुजारा चल रहा है? नहीं, गुजारा बस अलग से कम से बस चला रहे हैं। चल रहा है? हाँ चल रहा है। अच्छा ठीक भाई, धन्यवाद। ये था वाशु भाई। और ये भी मिठाई का शॉप है हिंदू भाई का है। इस शॉप का नाम है VIP शॉप। गाइज ये वाशु भाई भगवान दास का दोस्त भी है, भाई भी है। तो भगवान दास से बात करते हैं, वो क्या बताते हैं। भगवान दास जी, सर ये हमारा भाई है, ये किलो का कारोबार करता है, इसको 15 साल हो गए हैं। तो आज हमने देखा जो नारायण भाई ब्लॉग आए थे हमारे पास ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने बोला चलिए आपको जो हमारे वशु भाई है उनका फ्रूट का ठेला है, जो केले का ठेला है, चलो उनसे मिलती है, उसे कचहरी करते हैं। मैंने बोला उसे मिले और उसे कचहरी करेंगे। तो हमारा दिल हो गया वशु भाई से मिलने के लिए। तो हमने बोला इसका इंटरव्यू भी ले लें, और केलू का क्या रेट है वो भी नारायण भाई को पता चले, और जो है सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं और यूट्यूब पे जो हमारे यूट्यूब को देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चले। तो पाकिस्तान के अंदर इसे केलू का क्या रेट है और फ्रूट का क्या रेट है, तो इसके लिए हम मिलने आए हैं। तो भगवान दास भाई, आप हमारे दोस्त जो यूट्यूब पे है, यूट्यूब फैमिली, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? हम यूट्यूब से जो यूट्यूबर है उसे हम बताना चाहते हैं। तो आप व्लॉग बनाएं, और जो भी पाकिस्तान का जो भी जैसा भी कारोबार है उसकी आप व्लॉग्स बनाएं, और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये हिंदू भाई का कारोबार है, और क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते, और ये सब जो भी कारोबार है उसके बारे में आप जानकारी। तो भगवान दास भाई, आप भी, आपका भी हमने पहले व्लॉग भी बनाया है, और आपका हेयर कटिंग का दुकान भी है। तो आपका कैसे गुजारा चल रहा है? सही है, भगवान का शुक्र है, हमारे पास जो बहुत अच्छा काम चलता है। अभी हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और पहले भी जो हमारे व्लॉग बनाने आए थे नारायण भाई जो यूट्यूबर है वो भी व्लॉग बना के गए हैं,
और अभी जो है भगवान का शुक्र है हमारा दुकान बहुत अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं हमारे। तीन बच्चे हैं, वो कितने कितने उम्र हो गई इनकी? तो तीन हमारी बच्चियाँ हैं, उसके एक की 4 साल उम्र है, एक की 2 साल है, एक एक साल की। वो अभी स्कूल नहीं जाते हैं? जी नहीं। ठीक भाई, धन्यवाद। 6 महीने बाद जो है हमारी लड़की जो बड़ी है उसको हम भेजेंगे स्कूल के लिए। ठीक गाइस, ये देख सकते हैं टेलर मास्टर। तो राम राम बाबा, राम राम चो वाल वाल खुश भारी हो तो मैं हम लोग ठीक हो, दुआ शुक्र चो नेट में मत में एकदम मिली है शिकले हिंदी में। तो ये आप क्या बना रहे? हां ठीक बना रहा हूं, इंडियन यू कह दो। हैं इंडियन पेरवास है? इंडियन पेरवास क्यों रे, क्या है ये? हां ऐसे ही कुर्ती का कपड़ा, कुर्ती का कपड़ा। तो गाइस ये देख सकते हैं उस्ताद बना रहा है कुर्ती घाघरा। क्या नाम, क्या है नाम उस्ताद? रामचंद। रामचंद भाई देखें। तो गाइस ये टेलर मास्टर है और ये गाइस हिंदू भाई की शॉप है, चप्पलों की शॉप है, आप देख सकते हैं। तो राम राम भाई। राम प्यारा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भूरा। तो गाइस ये भूरा भाई चप्पल की शॉप है भूरे भाई की, ये देख सकते हैं। तो भूरा भाई आप कहाँ रहते हैं? आज सिद्दीक खास के लिए। तो कितने टाइम से आपने ये शॉप खोली है, दुकान चप्पलों की? कम से 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं चप्पलों में? तो गाइज मैं आया था चप्पल लेने यहाँ पे, तो देखा के भूरा भाई का व्लॉग बना रहे। ठीक भाई, भूरा भाई धन्यवाद।